हेलो, स्वागत है आप सभी का सर्वाइवल इवॉल्व के और नए मजेदार एपिसोड में। तो हम वापस आ चुके हैं और आज का एपिसोड ना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। मगर सबसे पहली चीज, थैंक यू सो मच, फाइनली हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा सपोर्ट करने के लिए। और एक और चीज, कल जब मैंने 200 के पार्टी वाली वीडियो अपलोड किया तो मेरे को काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई तुमने इसका कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ करके रख दिया है। तो तुम लोगों को बता दूं, कमेंट सेक्शन मैंने ऑफ नहीं किया था, वो यूट्यूब ने खुद कर दिया था। पता नहीं क्यों यूट्यूब की तरफ से वो कमेंट सेक्शन ऑफ हुआ है, मेरी तरफ से नहीं हुआ। तो बस इतना बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच भाई लोग, थैंक यू सो मच इतना प्यारा सपोर्ट करने के लिए। और लास्ट एपिसोड में मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं अपने घर को अपग्रेड करने वाला हूँ, तो मैंने फाइनली अपने घर को अपग्रेड कर लिया है। ये जो मैंने टेमिंग के लिए जगह बनाया था, इसको तोड़ के मैंने थोड़ा सा पानी के साइड में कर लिया हूँ, ताकि अपने को वो साइड से ना थोड़ी सी जगह हो जाए। और ये रहा अपना बड़ा वाला घर। लास्ट जो घर बनाया था ना, वो काफी ज्यादा छोटा था, और मैंने इनग्राम पॉइंट से ना विंडो भी अनलॉक करके यहाँ का चारों तरफ से विंडोज लगा दिया ताकि अंदर रोशनी आती रहे। और पानी के साइड से मैंने थोड़ा सा बैक साइड तक घर को लिया, और यहाँ पर जो 3 स्टोरेज बॉक्स रखे हुए थे वो भी तोड़ के मैंने हटा दिया। और अंदर लेके जाके अगर तुम लोगों को बताऊं ना, तो अंदर से घर का लुक अपने कुछ इस तरह से, काफी ज्यादा मैंने बड़ा घर बनाया है। इस बार देख सकते हो यहाँ पर मैंने लाइन से स्टोरेज बॉक्स लगा दिए, इसके अंदर सारी की सारी चीजें अपन स्टोर करके रखेंगे। मगर उसके साथ में यहाँ पर भी मैंने काफी सारे स्टोरेज बॉक्स छोटे वाले सामने लगाया हूँ, और बड़े वाले स्टोरेज बॉक्स को ना मैंने इधर फ्रंट के अंदर लगाया हूँ, और इधर साइड में बैक साइड में भी 3 स्टोरेज बॉक्स है बड़े वाले, और उसके साथ में यहाँ पर 2 बड़े वाले स्टोरेज बॉक्स, और यहाँ पर मैंने एक स्मिथी लगा दिया ताकि आयरन की जो भी चीजें अपने को करनी है वो अपन यहाँ पर करते रहे। और मैंने इस बार 3 कैंप फायर लगाया, क्योंकि 2 के अंदर ही अपन खाना बना रहे थे, मगर इस बार मैंने 3 कैंप फायर लगाया। और उसके बाद ही मैंने मोर्टार एंड पेस्टल्स रख दिया, और ये 2 जगह, एक सेकंड, हुआ क्या वैसे बाहर, और ये 2 कंटेनर मैंने यहाँ पर इसलिए रखा हूँ ताकि इसके अंदर मैं सारी की सारी बेरीज को स्टॉक करके रख सकूँ। और उसके बाजू में मैंने लगाया स्लीपिंग बैग ताकि यहाँ पर एकदम आराम से हम सो जाए। और उसके साथ में ना यहाँ पर मैंने 2 बड़े वाले फौज लगा दिया हूँ, ताकि अगर मेटल का काम कुछ ज्यादा हो तो वो दोनों के अंदर एक साथ हो, और सारे के सारे इंगट्स अपन ये स्टोरेज बॉक्स के अंदर या फिर ये वाले स्टोरेज बॉक्स के अंदर रख दे। अब ये स्टोरेज बॉक्स के अंदर अगर तुम लोगों को बताऊं ना, तो मैंने पूरा वुड यहाँ पर जमा करके रख लिया हूँ। उसके साथ में मैंने इधर वाले उसके अंदर जितना भी हाइड मैंने कलेक्ट किया था, पूरा का पूरा हाइड मैंने यहाँ पर रख दिया हूँ। अभी अपने पास में हाइड काफी ज्यादा है, इधर मैंने हैश कलेक्ट करके रख दिया हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्राफ्टिंग में काम आता है। और ये वाले फ्रंट के स्टोरेज बॉक्स के अंदर मैंने थोड़ा बहुत खाना रख दिया हूँ। और अभी रात काफी ज्यादा हो गई ना, तो थोड़ा सा इंतजार करते सुबह होने का, और उसके बाद में काफी सारी चीजें और मेरे को तुम लोगों को बतानी है। तो फाइनली रात से सुबह हो चुकी है, अब तुमको चल के अपने डायनासोर बताता हूँ। ये वाले डायनासोर को देखोगे ना तो ये 102 लेवल का है, मतलब करीब करीब ऐसे समझ लो 5 से 10 मिनट लग गए सिर्फ और सिर्फ इसको मेरे को टेम करने के लिए। और उसके साथ में ये छोटे छोटे रैप्टर के बच्चे, मतलब रैप्टर नहीं है ये, मगर रैप्टर बोल सकते उसको। एक ये वाला टेम किया, उसके बाद में एक ये वाला और एक तीसरा ये वाला। ये थोड़ा दूसरी बिरादरी का डायनासोर है, ये लेवल 12 का है, ये लेवल 174 का है, और ये लेवल 18 का है। अब लेवल 174 के डायनासोर को टेम करने के लिए ना, मतलब ऐसे समझ लो 2 से 3 बार मैं मरा हूं, तब जाके ये लोग को मैंने टेम किया, क्योंकि अपन घास फूस वाले डायनासोर को टेम कर रहे थे और वो अपने इतने कुछ काम के थे नहीं, बस उनसे अपन बेरीज कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये वाले डायनासोर को रहने दिया सिर्फ और सिर्फ बेरीज कलेक्ट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब अगर तुम लोगों को बताऊं ना, तो ये रहा अपना रैप्टर 27 लेवल का। इसको मैंने वो पीछे साइड की पहाड़ी के पास से टेम करके लेके आया हूं, और रैप्टर को टेम इसलिए करना था क्योंकि ये काफी ज्यादा तेज भागते हैं, और बाकी जितने भी अभी तक हमने डायनासोर को टेम किया था ना, वो काफी ज्यादा स्लो भाग रहे थे। तो ये रहा अपना प्यारा वाला रैप्टर, हमेशा इसके हाथों में मारा हूं, हमेशा एक बार भी मैंने नहीं मारा, मगर इस बार मैंने इस रैप्टर को काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद में टेम किया हूं। मगर उससे पहले एक और चीज, नए आए हो चैनल पे एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेस और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस आते रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर काफी बढ़िया बढ़िया सीरीज भी आने वाली है। अब सबसे पहले तुम लोगों को एक चीज बताऊं ना, तो अभी मेरे पास में 43 इनग्राम पॉइंट्स और पड़े हुए है, और उसके साथ में ना मैंने 1 से 2 सैडल्स को और अनलॉक किया है, और उसके साथ में मैंने यहाँ पर रैप्टर के सैडल को भी अनलॉक कर लिया। इसको बनाने के लिए अपने को 110 हाइट चाहिए, 65 फाइबर चाहिए,
चाहिए और 20 वुड चाहिए। तो इन्वेंट्री के अंदर अपने पास फाइबर पड़ा हुआ है, वुड अपने घर में और हाइट भी अपने घर में, तो दिक्कत की बात नहीं, एकदम आसानी से अब अपन रैप्टर का सैडल बना सकते हैं। तो पहले यहाँ से आगे ना थोड़ा सा वुड ले लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा हाइट ले लेते हैं और ये बना लिया अपन ने रैप्टर का सैडल। अब जाके फटाफट से रैप्टर को लगा देते हैं सैडल, क्योंकि मेरे को उसको लेके ना एक बढ़िया वाले रन के ऊपर जाना है। और ये 25 लेवल के कुछ था जब मैंने इसको टेम किया और थोड़ा सा इसका अपग्रेड आया था तो मैंने इसको अपग्रेड कर दिया था। तो ये रहा रैप्टर का सैडल, इसको बिठा दिया रैप्टर का सैडल। और इसके साथ में ना मैं एक काम करता हूँ, इसका वेट ना काफी ज्यादा और अपन इंक्रीज कर लेते हैं। ओ हो 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 भाई साहब, ये है मेरा बढ़िया वाला और सबसे पहला वाला रैप्टर, इसको 28 लेवल के ऊपर अपन ने कर दिया है। अब इसके ऊपर बैठ के ना एकदम बढ़िया वाली दौड़ लगाते। वैसे ये इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, एक तो इसकी इन्वेंट्री में कुछ है नहीं, इसकी इन्वेंट्री में कुछ नहीं है मगर अपने पास में वजन काफी ज्यादा है ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है अपने पास का सामान थोड़ा सा अपन घर पे रख के आते हैं। तो मैंने वुड और हाइट रख दिया क्योंकि उसका ही सबसे ज्यादा वजन था। कहा गया अपना रैप्टर, आ जा बेटा, अब लेके चलते हैं अपन इसको। और अभी भी कुछ ज्यादा स्पीड से भाग नहीं रहा है ये, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। एक काम करता हूँ मैं, जितना मेरे पास का सामान है ना तकरीबन पूरा ही मैं रख देता हूँ। तो पूरा का पूरा मैंने इन्वेंटरी अपना खाली कर दिया और अब बैठ के देखते हैं उस पर अभी भी उतनी। ओ भाई साहब, अब काफी ज्यादा स्पीड से भाग रहा है ये। तो अब मेरे समझ में आ गया, जब तक इसका अपन वेट का इंक्रीज नहीं करते तब तक अपन इसके ऊपर बैठ कर ज्यादा वजन नहीं लेके जा सकते। और काफी ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं हम, काफी ज्यादा मतलब। और सामने मेरे एक काफी ज्यादा खतरनाक वाला डायनो है, तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले ना ये वाले डायनो को उधर फेंक देते हैं अपन अपने घर पे लेके जाके। और जो अपने पास में तीर वगैरह वो सारी की सारी चीजें थी ना, और अपन इससे जंप भी मार सकते भाई साहब, ये तो मेरे को पता ही नहीं था इससे अपन जंप मार सकते नहीं मार सकते। एक काम करता हूँ मैं, फटाफट से चीजें लेता हूँ। और वो कुछ तो मेरे को अजीबो गरीब बड़ा वाला डायनासोर दिख रहा है, तो पूरी की पूरी चीजें अपन ने वापस से ट्रांसफर कर ली और चलते अपन वो साइड में। मैंने अपने मूवमेंट स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया हूँ क्योंकि अब पहले से मैं अभी काफी ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। और सामने ही तो डायनासोर था वो, और यस अभी भी सामने ही है डायनासोर, और ये कुछ ज्यादा बड़े लेवल का डायनासोर लग रहा है मेरे को। और ये मीट खाने वाला डायनासोर है, वेजिटेरियन डायनासोर नहीं है। जान हथेली पे लेके तो हम जा रहे हैं वहां पर, मगर अब देखते कुछ होता है, बोला से तो उसका काम होगा नहीं क्योंकि अभी मैंने ये सारी की सारी चीजें जब मैं बना रहा था ना। ओ भाई भाई, हिम्मत करूं या नहीं करूं, हिम्मत करूं या नहीं करूं। ओ शेट शेट, अबे इतनी ज्यादा स्पीड है इसकी, और ये किसी और को मारने में लग गया। और मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को अपने घर नहीं जाना पड़ेगा, घर जाऊंगा तो ये पूरे के पूरे रैप्टर्स को और जितने डायनासोर मैंने इतनी मेहनत से टेम किए ना वो सारे के सारे डायनासोर्स को मार देगा। और यस, ओ भाई 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 भाई, यहाँ से निकलो, घर के पास तो नहीं लेके जा रहा मैं, अगर घर के पास जाऊंगा ना तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मेरे को माफ कर दे, मेरी गलती हो गई भाई, डोडो बचा ले मेरे को। एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ ये सामने वाले पहाड़ के ऊपर जैसे तैसे करके मैं चढ़ जाऊँ, मगर शायद से अभी मेरे पीछे नहीं आ रहा। मैं अपनी जान दे दूंगा मगर इसको अपने घर के पास नहीं लेके जाने वाला मैं। भाई ये तो डायरेक्ट वो डायनासोर को, मेरी तो फट्टी इतनी के जोर से मैंने टट्टी कर दिया और मैंने 3-4 तीर तो उसको मारा हूँ। अब पता नहीं मेरे को दिख नहीं रहा वहां पर, जो बड़े लेवल के रैप्टर थे ना वो तो ये वाली तीर से भी बेहोश नहीं हो रहे थे। और वो डायनासोर सामने ही है यार, यहाँ से मैं तीर मारूंगा ना उसको लगेगा नहीं और खामखा अपनी जान चली जाएगी। वो तो अच्छा हुआ कि वापस चला गया वरना मेरी फटके हाथ में आ गई थी, तो माफ कर दिया मैंने वो वाले डायनासोर को। छोड़ते हैं अपन, अब चलते हैं दूसरा काम करने के लिए क्योंकि अपने को काफी सारी चीजें करनी है। मगर सबसे पहले जितने मेरे पास में इनग्राम पॉइंट्स है ना उससे चेक कर लेता हूँ कि मैं और कौन सी चीजें बना सकता हूँ, क्योंकि जो जो मेरे काम का था ना मैंने तकरीबन सारी की सारी चीजें बनाकर अपने पास में रख ली है। तो अब अपन स्टोन वॉल को अनलॉक करेंगे, उसके साथ में स्टोन फाउंडेशन, तो अपना घर काफी ज्यादा और मजबूत हो जाएगा। मगर अभी भी मेरे पास में 29 इनग्राम पॉइंट्स बचे हुए, तो मैं और कुछ अगर मेरे काम का हो, ये तो है बियर ट्रैप,
और ये रही सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये स्वॉर्ड जिसके वो बनाने के लिए 50 आयरन इंगट चाहिए। और ये वाला टूल भी मैं बना लेता हूँ ताकि मैं फाइबर को एकदम आसानी से हार्वेस्ट कर सकूं। और अब इतने बड़े बड़े डायनासोर्स को कैसे मारना है मेरे को, तो वो सारी की सारी चीजें सीखनी है। तो अभी सबसे पहले ना अपन तलवार का जुगाड़ करते हैं। 50 आयरन इंगट अगर अपने पास में हो जाए तो काफी बढ़िया है, मगर मेरे को नहीं लगता 50 आयरन इंगट मैं अभी कर पाऊंगा। और ये आयरन के टूल से ना मेटल मेरे को काफी ज्यादा मिल रहा है, और पत्थर भी ना काफी ज्यादा स्पीड से भाई टूट भी जा रहे हैं। और हमने यहाँ के तकरीबन पूरे ही पत्थर तोड़ दिए, और वो भी काफी ज्यादा स्पीड से तोड़ दिए भाई। ओहो, कुछ ही फटके के अंदर काम खत्म। और अब ये बचे कुछ पत्थर है ना, तो ये भी मैं तोड़ के जितना मटेरियल लेके जा सकता हूँ ना पूरा लेके चला जाता हूँ। और अब अपने पास में वेट काफी ज्यादा हो चुका है। अब नेक्स्ट एपिसोड में ना मैं जितना भी अपना लकड़ी का घर है ना, ये सारा का सारा घर पत्थर का बना दूंगा, तो अपना घर और काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, फिर तो टूटने का सवाल ही नहीं आता। अब पता नहीं घर जाने के लिए मेरे को और कितने ज्यादा साल लगेंगे। ओ शेट, नहीं नहीं, ओ भाई ये कौन सा डायनासोर आ गया था इधर मेरे घर के पास में। इतने खतरनाक खतरनाक डायनासोर कब से आने लग गए, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमारी लेवल बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डायनासोर अपने घर के पास में आते जा रहे हैं। और एक और चीज अभी अपने को सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये करनी है, क्या ये तो हो गया अपना मेन वाला बेस, मगर इसके अलावा भी अपने को मैप के अंदर और एक्सप्लोर करने जब जाएंगे ना हम, तो अपने को और भी अपने घर बनाने, ताकि स्लीपिंग बैग रख के अपन एक जगह से दूसरी जगह एकदम आसानी से टेलीपोर्ट कर जाए। बाप रे बाप, ये मारो साले को मेरी पार। भाई साहब, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि ये मेरी फौज ऐसे कर देगी। भाई, अब मेरा एक ही टारगेट है, ये जितने डायनासोर है ये पूरे के पूरे जो गोश्त खाने वाले डायनासोर है उनको जमा करके अपनी एक खतरनाक वाली फौज बनानी है। भाई साहब तेरी कितनी हेल्थ है जरा बताना। चलो इसकी तो हेल्थ फुल है ना, तो एक काम करते इसकी हेल्थ और काफी ज्यादा इंक्रीज करते है, और इसके साथ में ना इसका मिल डैमेज भी अपन और काफी ज्यादा कर देते है। भाई, अपने पास तो काफी खतरनाक फौज हो गई, और इसके भी 4 इंग्राम पॉइंट्स बचे हुए समझ लो। तो इसका एक काम करता हूँ, हेल्थ 2 बढ़ाता हूँ और जो डैमेज है वो 2 बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये 2 डायनासोर का काम हो गया। इस वाले का कितने, इसके भी 4 पड़े, तो इसकी भी 2 हेल्थ और इसकी भी 2 डैमेज बढ़ाते। भाई मैं तो प्रो होता जा रहा हूँ दिन पे दिन। और इसका एक है, तो एक काम करते इसकी फिलहाल में हेल्थ बढ़ाते क्योंकि इसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम है। और अपने ये वाले डायनासोर का एक बार चेक करते हैं, तो रैप्टर का तो अभी फिलहाल में कुछ नहीं है, और रैप्टर के बैग के अंदर काफी ज्यादा सामान पड़ा हुआ था। चलो अपना खाने का तो जुगाड़ हो गया भाई। मैं तो पहले कुछ देर के लिए सोचा कि ये बड़ा वाला डायनासोर मेरी यहाँ की पूरी फौज खत्म कर देगा, मगर एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये करनी है, बड़े वाले डायनासोर चाहे टेम करो नहीं करो, मगर ये बच्चों की फौज मेरे को यहाँ पर खड़ी कर देनी है। और अपने बड़े वाले डायनासोर की भी 2 हेल्थ बढ़ाते हैं और 2 डैमेज बढ़ाते। भाई, बस कितना ज्यादा खुश हो रहा है। 106 लेवल का डायनासोर हो गया ये अपना, 106 लेवल का। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर अपन जितने अपने को मेटल ओर मिले ना वो सारे के सारे रख देते। लकड़ी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगा दिया था, तो ये फौज को बनने के लिए रेडी कर देते। थोड़ा सा खाना खा लेते और इधर के सारे कैंप फायर बुझ चुके, तो एक काम करते यहाँ पर तकरीबन पूरा ही खाना रेडी हो चुका ना, तो जो अपने पास में खाना यहाँ पर पड़ा हुआ है और उसके साथ में यहाँ पर जो खाना पड़ा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा खाना ले लेते और कैंप फायर के अंदर लगाते थे, वरना एक पूरा का पूरा खाना ना खराब हो जाएगा, जो के हो रहा है काफी ज्यादा स्पीड से। तो आग लगाने के लिए वुड की कमी हो रही है, और वुड की कमी हमारे इन्वेंटरी में है, यहाँ पर स्टॉक के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं जितना मीट है ना वो कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, बर्निंग वुड भी, और जितना अपने पास में पड़ा है ना वो सारा का सारा यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि फुल खाना बनता रहे, वरना रखे रखे अपने पास ना खाना काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो वेट काफी ज्यादा हो गया था, तो पूरी की पूरी चीजें मैंने यहाँ पर फेंक दी। मगर उससे पहले ना मेरे को एक चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पर अगर ये वाला स्टोरेज बॉक्स खाली है तो ये वाले स्टोरेज बॉक्स के अंदर ना जितने मेरे पास में मीट पड़ा हुआ ना पहले तो ये रख देता हूँ, और ये पूरे के पूरे स्टैक यहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि अब काफी ज्यादा टाइम तक अपने खाने का टेंशन हो चुका है खत्म। तो यहाँ पर पूरा मैंने खाना रख दिया, बस ये 20 ले लेता हूँ ताकि अपने खाने के काम में आए। और जितना फ्लिंट है ना, फिलहाल के लिए फ्लिंट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा वेट कम हो जाए। और जो बर्निंग वुड का सेक्शन था ना, बर्निंग वुड को अपन रखेंगे इस कॉर्नर
कॉर्नर में। ये वाला स्टोरेज बॉक्स मैंने लगाया इसीलिए ताकि जो चीजें ज्यादा नहीं लग रही है वो पूरी की पूरी चीजें अपन यहाँ पर रखेंगे। तो आज आप बर्निंग वुड और सबसे पहले ये बॉक्स का अपन नाम रख देते हैं फूड, ताकि अपन यहाँ आए तो अपन आसानी से देख सके। और जितना फ्लिंट है ना वो सारा का सारा मैं यहाँ पर रख देता हूँ, थोड़ा अपने पास में रहने देता हूँ बस। और यहाँ पर अब चेक करते हैं कि यहाँ पर कितने आयरन इंगट्स बन के रेडी हो चुके हैं। तो भाई काफी ज्यादा आयरन इंगट बन के रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर लकड़ी लगाना मैं भूल गया, खाना रख दिया हूँ और लकड़ी लगाना भूल गया, क्योंकि खाना मेरे पास में इतना ज्यादा है तो वो खराब, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी खराब हो रहा है, तो वो थोड़ा सा रिस्की है। ये इधर खाना बनता रहेगा, उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर बनता रहेगा, और जो बचा कुछ है वो यहाँ पर बनता रहेगा। तो टेंशन खत्म अपने खाने का, फुल खाना ही खाना हो रहा है। और जितना मेरे पास में स्पॉइल फूड है ना वो सारा का सारा मैं स्पॉइल फूड यहाँ पर रख रहा हूँ, ताकि अपने को फिर मोर्टार एंड पेस्टल के ऊपर स्टन करने वाले एरोज एकदम आसानी से बना सके। अब चलते थोड़े से और बच्चे रैप्टर्स ना अपन उठा के लेके आते हैं। वैसे इतने बड़े डायनासोर को इतनी आसानी से ये लोगों ने मार दिया, मगर उसके साथ में ना मेरे को आगे एक बड़ा वाला डायनासोर दिख रहा है। ये कुछ ज्यादा बड़ा है वैसे। और ये इतने बड़े बड़े डायनासोर यहाँ पर कब से आने स्टार्ट हो गए? और मेरे को ये अभी कुछ देर के लिए लगा कि ये टर्की मेरे को ही अटैक कर रही है। भाई साहब ये वाले बड़े वाले डायनासोर एरो से स्टन होते नहीं होते उसका कोई भी आइडिया नहीं है मेरे को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बताना भूल ही गया। ये 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 भाई, अरे नहीं, गलती से अंडा उठा लिया मेरे को क्या पता था उसका अंडा है। शेट, ओ आ रहा है, चलो गलती से अंडा उठा लिया भाई मैंने उसका। उसको आने दो, अपन जब तक अपने घर पर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो मैं पहले सोच रहा था कि हेल्थ बढ़ाऊंगा, मगर मैंने जो भागने की स्पीड वाला बढ़ाया ना वो काफी ज्यादा सही किया। और मेरे को ऐसा लग रहा है जो मेरे पास के जो डायनासोर है ना वो सारे के सारे इसको मार के खत्म कर देंगे। तो मेरे को उसको स्टन करने के लिए ना इधर साइड में जाना पड़ेगा। ओ भाई, ओ शेट 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 शेट, नहीं 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 नहीं, यहाँ गलती से आ गया। ओ शेट, बच्चे लोग मालिक को मार रहे। अटैक, खत्म कर दो, सीधा पूरा का खत्म कर दो, पूरों का कीमा पाव बनाएगा। मेरे को ये लोग मारने आएगा, मैं इनका सत्यानाश कर देगा। पैं 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 पैं। डिहाइड्रेटेड हूँ। एक सेकंड, मेरे को पानी लाना पड़ेगा। मगर ये काफी ज्यादा खतरनाक बात भी है, क्या हम टेम करने के लिए डायनासोर्स को इधर लेके आएंगे और ये सारे के सारे डायनासोर्स मार देंगे? बस इनको वो ऑर्डर कैसे देना है, क्या अभी हम किसी डायनासोर को टेम करने के लिए आ रहे हैं तो ये लोग अटैक नहीं करने चाहिए, वो ऑर्डर कैसे देना है, बस मेरे को वो चीज नहीं समझ में आ रही। और एक और चीज, जब ये एक ही बिरादरी के है तो क्यों ना मैं इनकी टेमिंग को इनेबल कर दूं, ताकि आराम से खाए पिए और काफी ज्यादा बच्चे पैदा करे। और ये टेमिंग स्टार्ट हो गई, किससे किसको टेमिंग हो रही है नहीं पता, बस हो रही है। तो एक काम करते हैं, अभी अपने को 3 कैंप फायर बनाने की जरूरत है, ताकि जो हमने अंडा चुरा के लेके आया है ना उससे बड़ा डायनासोर तो नहीं, कम से कम बच्चा डायनासोर तो अपन आसानी से उठा सकते हैं। तो मेरे को पता तो नहीं कि वो अंडे में से बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, मगर एक चीज मेरे को ये पता है, क्या लास्ट टाइम जब मैं स्ट्रीम कर रहा था ना तो संकेत भाई ने 3 कैंप फायर बनाए थे और उसके बीच में अंडा फेंक दिया था। तो मैं भी शायद से वैसी करता हूँ कुछ, अगर अंडे में से बच्चा बाहर आ जाए तो काफी अच्छी बात है। और इसने अंडा दिया, टट्टी है, मेरे को लगा अंडा दे दिया इतनी जल्दी। अरे कितना टेम हुआ, 69% हो चुका है, और काफी ज्यादा स्पीड से टेम हो रहे है, मतलब सॉरी टेम नहीं हो रहे, मीटिंग हो रही है काफी ज्यादा स्पीड से। अबे क्यों चिल्लाते रहते हो तुम लोग? तो सारी चीजें अपने पास में है, मगर सिर्फ वुड की कमी हो रही है कैंप फायर बनाने के लिए। तो यहाँ से ना थोड़ा सा अपन वुड ले लेते हैं। दूसरे यहाँ के डायनासोर सोचेंगे कि मैं उनको पकड़ के लेके यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ बच्चों से मार खिला रहा हूँ। और डायनासोर ने अपने अंडे दे दिए। ओ भाई, मगर अंडों का करना क्या है मेरे को नहीं पता। अपने को 3 कैंप फायर बनाने, तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बताना, यही कर लो, मेरे सर के पास में कर लो। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया कि जो हमारे पुराने डायनासोर थे वो सारे के सारे डायनासोर की ऐसी की तैसी हो गई है, इसीलिए मेरे को ये नई वाली फौज बनानी पड़ी। और इसीलिए मैंने खतरनाक वाली फौज बनाया हूँ, क्योंकि 2 बड़े वाले डायनासोर आए और उन्होंने मेरे पूरे डायनासोर्स की ऐसी की तैसी कर दी। और यहाँ पर भी एक अंडा पड़ा हुआ है भाई साहब। एक काम करता हूँ मैं, फटाफट से ना पहले कैंप फायर लगाते। तो एक इधर लगाया था, दूसरा इधर और तीसरा लगाया था इधर, ठीक है। और अंडे को लेंगे अपन अपने हाथ में, और मैंने अंडा खा गया उसका।
अबे भाई मैं उसको 6 दफा के बाहर निकाल रहा था, मैंने ऐसे कैसे अंडा खा लिया, इतना बड़ा डायनासोर का अंडा कच्चा भाई यार। खैर कोई बात नहीं, ये वाले डायनासोर का अंडा उठा के लेके आते और मेरे को ऐसा लग रहा है नार। और मैंने जो अंडा जस्ट उठाया, जैसे वो तो मेरी इन्वेंट्री के अंदर है और बारिश को भी अभी आना था, तो अंडे को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। अंडे को यहाँ से ऐसा थ्रो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे ड्रॉप करके देखते। चलो इधर ड्रॉप मैंने कर दिया हूँ और अंदर से जाके ना लकड़ी लेके आता हूँ, बस ये बारिश से अपने कैंप फायर की आग ना बुझे। तो थोड़ा थोड़ा लकड़ा हर किसी में रख देता हूँ ताकि तीनों बराबर से जलते रहे। और मेरे को कोई आइडिया नहीं है अभी फिलहाल में कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस जैसा उस दिन हमने स्ट्रीम पर किया था मैं बस वैसी कुछ ट्राई करने का कर रहा हूँ। और यहाँ से ये लोग ने भी जो अंडा दिया है ना, वो अंडे को उठा के अपन यहाँ से लेके आ जाते। भाई साहब जरा हटना, अंडा देना अपना। तो मैंने यहाँ से 3-4 अंडे उठा लिए, शायद से 3 उठाया हूँ, और वो भी लाके ना इधर थ्रो कर देते है। तो ये गया पहला, ये दूसरा, और ये मैंने शायद से उसकी टट्टी उठा के लेके आ गया। तो ये अंडों को इधर ही पड़े रहने देते, पता नहीं इससे होगा या नहीं होगा, कुछ आइडिया नहीं है। और ये इसमें को ऐसा लग रहा है ये हो रहा है, तो इसमें से बच्चे बाहर निकलने के लिए 7 मिनट लगेगा। और ये सक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा कोई आइडिया नहीं है। और अपना हो चुका है लेवल अप, तो इस बार अपन एक काम करेंगे, इस बार वेट को करेंगे इंक्रीज। 30 इनग्राम पॉइंट्स और अपने पास में जमा हो गए। एक कंपास को अनलॉक करते हैं, क्योंकि अब अपने को आगे आगे जाना है, तो घर वापस आने के लिए अपने को कंपास ही लगेगा, क्योंकि विदाउट उसके तो अपन वापस घर आ नहीं सकते। और पत्थर का डोर फ्रेम अनलॉक करना रह गया था, तो इसको भी अनलॉक कर लेते। और अभी तक अपन पत्थर वाला भाला यूज कर रहे, तो अब अपन पाइक को भी अनलॉक कर लेते, ताकि अब अपने पास में जैसा एक्स मेटल की है, पिकेक्स मेटल की है, तो ये भाला भी अपने पास में मेटल का हो जाए। और वापस से काफी ज्यादा शाम हो गई है, 1 मिनट 7 मिनट कुछ बता रहा था, एक बार जाके चेक कर लेते अभी और कितनी ज्यादा देर लगेगी। तो काफी बढ़िया तरीके से हो रहा है, सिर्फ कुछ ही देर में मेरे को ऐसा लगता है अंडे में से बच्चे बाहर आ जाएंगे। इस वाले अंडे की भी हेल्थ काफी ज्यादा सही है, और तो अब बराबर से हमने इसको रखा है, अब बराबर से गए ये अंडे, तीनों अंडों की हेल्थ एकदम ज्यादा बढ़िया है। और पता नहीं क्यों तीसरा वाला अंडा काम नहीं कर रहा, मतलब उसका अपने को कुछ शो नहीं कर रहा है। और एक को उठाने जा रहा हूँ और 3 अंडे उड़ जा रहे हैं। खैर जैसा भी है, उसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते, देखते जो भी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे पास में अभी मशाल भी नहीं है, तो बना लिया अपन ने मशाल। अब बस वो बच्चे रैप्टर्स अपने को और काफी ज्यादा मिल जाए, जिसकी हेल्प से अपन बड़े बड़े डायनासोर का खात्मा कर देंगे, अगर वो अपने को मारने आए तब। क्योंकि मरने से अच्छा मार दो, ये ज्यादा मेरे को बेटर ऑप्शन दिखा। और ये बड़े वाले डायनासोर के नजदीक अगर मैं जाऊं, पता नहीं खतरा होगा नहीं होगा। और अगली बार किसी का भी अंडा उठाएंगे ना, तो काफी ज्यादा देख के उठाएंगे। और इधर तो डोडो काफी ज्यादा है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है ना अपने को डोडो के लिए भी एक बढ़िया वाला फार्म बनाना पड़ेगा। इसकी गर्दन देख रहे हो भाई, ये दो दो डायनासोर इधर। तो एक काम करते है, चुपचाप से वापस निकल जाते हैं, क्योंकि अभी रात का टाइम है, अगर कुछ उल्टा सीधा काम हो गया। और मेरे प्यारे बेटे, जब तू दिख ही गया है तो क्यों ना तू हो जा मेरे वश में, ठीक है, तो हो जा मेरे वश में। क्योंकि अब तो तेरा सैडल भी मैं अनलॉक कर सकता हूँ, समझा, तेरा अब तो मैं सैडल भी अनलॉक कर सकता हूँ। और मेरे पास में अभी मीट है नहीं, तो मेरे को फटाफट से जाके नया मीट लेके आना पड़ेगा घर से। तो मैंने जैसे तैसे करके इसको टेम कर लिया है, और अब ना मेरे को टेमिंग काफी ज्यादा इजी लग रही है, क्योंकि मैंने इतने डायनासोर को टेम कर लिया अब तक कि मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि मैं टेम करके लेके आ रहा हूँ, ये मर रहे, फिर टेम करके लेके आ रहा हूँ, फिर मर रहे, तो ऐसे सब चल रहा है। सबसे पहले ना इसके बिहेवियर में जाके इसको बोल देंगे, बेटा तू मेरे को फॉलो मत कर, एक जगह जाके बैठ जा, चुपचाप से जा और जाके बैठ जा। और इसको घर के अंदर ही जगह मिली थी बैठने के लिए, अबे बैठना इधर, यस इधर बैठा रहे, मेरे को बस अपने अंडों पर नजर रखनी है। और इनकी हेल्थ अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गई है, और मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने गलती कर दिया था वो अंडे उठाकर, शायद से बस इसके अंदर से बच्चे बाहर आ जाए तो काफी ज्यादा बढ़िया बात होगी, वरना मेरे को 7 घंटे रुकना पड़ेगा। और एक चीज, एक कैंप फायर की आग बुझ गई, इसीलिए शायद से इनकी हेल्थ लो हो रही है। भाई मैं कितना स्लो दिमाग लगाता हूँ। और लकड़ी की कमी हो रही है, मेरे को लकड़ी की कमी हो रही है, आसपास से ना काफी सारी लकड़ियां जमा कर लेते और यहाँ पर लगाते जाते, वरना अपने अंडों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और अभी भी इनकी हेल्थ काफी ज्यादा स्पीड से कम हो रही है। तो फ्लाइंग डायनासोर का सैडल बनाने के लिए अपने को सबसे पहले क्रिएटिन लगेगा 75, फाइबर लगेगा 125, हाइट लगेगा 230। फाइबर और हाइट अपने पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्टोरेज के अंदर, बस ये क्रिएटिन अपने को मिलेगा जो टर्टल वाला डायनासोर है,
पानी के अंदर जो रहता है उसको मार मार के अपने को क्रेटिन मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जब मैंने उसको मारा था तो मेरे को मिल गया था। तो मेरे पास में जितना मटेरियल था मैंने उससे कंपास बना लिया, बस फाइबर की कमी थी। तो जस्ट मैंने फाइबर को जमा किया हुआ और अब चेक करते कंपास अपना। ओहो, वैसे मेरे को कंपास देखना आता नहीं है, मगर बस हमने अच्छा लग रहा था तो बना के रख लिया। और मेरे सारे के सारे अंडे हो जाएंगे खराब। खैर कुछ नहीं कर सकते, पहले एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे मगर हमने उसको उठा लिया और दिक्कत हो गई फिर। खैर अंडे तो हो चुके हैं खराब, मगर ये हमारा फर्स्ट टाइम था इसलिए दिक्कत हुई है, क्योंकि हमको पता है अब अगली बार अपने को कैसे काम करना है। तो रात से सुबह हो चुकी है, जाके चेक करते हैं। मेरे को 100% यकीन है कि सारे के सारे अंडे हो चुके होंगे खराब और एक ही अंडा बचा हुआ है, बाकी सारे के सारे अंडे चले गए भाई। सिर्फ और सिर्फ एक ही अंडा बचा हुआ है, बाकी पूरे के पूरे अंडे खराब हो चुके। मतलब तीन अंडे थे जिसमें से एक बचा हुआ है। अब ये बचे कुछ अंडे को अपन फेंक के चेक करते हैं कि उसके अंदर से बच्चा बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, कोई आइडिया नहीं है। लकड़ी की कमी हो रही थी तो मैंने और काफी ज्यादा जाके लकड़ी इस बार लेके आ गया। खैर मेरे को तो ये अंडे को देख के ऐसा लग रहा है इसमें से बच्चा भी नहीं निकलेगा बाहर, तो भी अपन ना उसको रख देते हैं। और ये धीरे धीरे करके रेड होते जा रहा है तो उसको फिलहाल के लिए वैसे रहने देते हैं, देखते हैं उसके अंदर से क्या होगा। और अभी मेरे को पानी वाले डायनासोर को काफी ज्यादा मारना है जो कछुए घूम रहे हैं, और उससे अपने को क्रिएटिन जमा करने ताकि अपन ये फ्लाइंग डायनासोर के लिए एक सैडल बना सके, तो वो एकदम आसानी से मैं कर लूंगा। और अब अपने को जितना भी अपने घर की दीवारें वो सारी की सारी पत्थर की करनी और नई लोकेशन के ऊपर जाके अपने को एक नया वाला बेस सेटअप करना है ताकि अब यहां से वहां बार बार टेलीपोर्ट हो सके। और ऐसे सोर्स को ना मेरे को और काफी ज्यादा टेम करके लेके आना होगा, बस इन्हीं की वजह से आज अपनी जान बची है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे डायनोस, तुम्हारी धीरे धीरे करके मैं पूरी फौज खड़े कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। फिर चाहे लेवल 10 का रैप्टर हो या फिर लेवल 100 का, तुम पूरे ही काफी हो बड़े बड़े रैप्टर्स को गिराने के लिए, समझे। तो बस आज के एपिसोड को इतने ही रखते, थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए। और साथ ही साथ कमेंट करके मेरे को जरूर बताना तुम लोगों को एपिसोड कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर काफी बढ़िया बढ़िया गेम प्लेस और काफी बढ़िया बढ़िया सीरीज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट करना, क्योंकि सेकंड चैनल के ऊपर भी मैं बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ। अब मैं जाता हूँ चीजों की तलाश में, क्योंकि अभी अपने को काफी सारी चीजें करनी है। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।